बस अब बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज आपके लिए बाजवा साहब ने अफतारी का बंदोबस्त किया हुआ है। कहां बाजवा साहब? बाजवा साहब ने अफतारी का बंदोबस्त किया, इनकी अफतारी खा के जाना है आज, ऐसे नहीं जाना, खा के जाना है। और मुझे नहीं मालूम था कि यहां पे आज एक जलसा आम हो जाएगा। मैं तो आया था कि यहां मार्की लगी होगी, मार्की में बैठ के आपसे बात करेंगे, लेकिन आपके जज्बे को अल्लाह सलामत रखे, ये जज्बा इंशाल्लाह 2018 के इलेक्शन में कामयाबी का एक पेच खैमा है। वोट को इज्जत मिलने वाली है, वोट को इज्जत मिलने वाली है। और मुझे यकीन है अल्लाह के फजल व करम से कि चिश्तियां वोट की इज्जत, वोट को इज्जत दो में सबसे आगे होगा, सबसे आगे। इज्जत दो, वोट को इज्जत। अभी मरियम ने आपको बताया भाई नवाज शरीफ पे इल्जाम क्या है, क्या इल्जाम है बोलो, चिश्तियां के भाइयों बहनों बोलो, नवाज शरीफ पे तो करप्शन का इल्जाम है, नवाज शरीफ पे कोई पैसा खाने का इल्जाम है, तो नवाज शरीफ ने कोई सरकारी रकम में, सरकारी खजाने में फुर्द बुर्द की है, नवाज शरीफ ने अमानत कौम की अमानत को कोई बदध्यानती से इस्तेमाल किया, तो जरा पूछो अपने आप से, मुझे क्यों निकाला, क्यों निकाला, मुझे बताओ क्यों निकाला। आप बोलो नौजवानों, मैं तो आपकी खिदमत कर रहा था, मैं तो आपके लिए दिन रात काम कर रहा था, मैं तो चाहता था कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, मैं तो चाहता था कि आपकी खिदमत करके आपको एक अच्छा शहरी हम अल्लाह के फजल करम से बना दें। आपके हाथों में डिग्रियां हैं, डिग्रियां हैं या नहीं है बोलो, जिनके हाथों में डिग्रियां जरा मुझे बताओ, हाथ खड़ा करके किन के पास डिग्रियां हैं बोलो, हाथ नीचे करो, डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है, बताओ हाथ खड़ा करके किन के पास रोजगार नहीं है। यही तो नवाज शरीफ का एक ख्वाब था जिसको शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ भी आपकी मोहब्बत की कसम खा के कहता है इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह के फजल व करम से आपकी दिन रात खिदमत करूंगा, इन नौजवानों को ये रोशन मुस्तकबिल अल्लाह के फजल से दिलवाऊंगा मैं। पाकिस्तान की जो खिदमत करता है, जो पाकिस्तान की खिदमत करता है, या वो करप्ट हो जाता है, उसको करप्ट बना दिया जाता है, या उसको गद्दार बना दिया जाता है। आप मानते हैं, आप इस ऐसे फैसले को मानते हैं? मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता, मैं आपके साथ हूं, आप नवाज शरीफ के साथ हैं, हो नवाज शरीफ के साथ हो या नहीं हो बोलो। ये तो सारा चिश्तियां बोल रहा है यार, ये बाजवा, ये तो सारा चिश्तियां बोल रहा है, चिश्तियां बोल रहा है तो पाकिस्तान बोल रहा है। चौधरी तनवीर साहब हमारे सदर हैं गल्फ के, चौधरी साहब और जनाब मोहतरम सूफी अकरम साहब, ये तो पूरा जिला बोल रहा है, पूरा हासनपुर बोल रहा है, चिश्तियां बोल रहा है, पंजाब बोल रहा है, जनूबी पंजाब बोल रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है। राणा साहब बोल रहा है, राणा साहब बोल रहा है। मेरे भाइयों एक बात सुनो भाई, चाहे ठीक है माना, आज हमारा कन्वेंशन था जो जलसा बन गया है, ये आलमदार लालिका है, मेरे भाई अब्दुस्ताद लालिका का बेटा है, बेटा ये भी झूम रहा है यहां पर आपको देखकर, और मैं भी झूम रहा हूं आपको देखकर, कभी पहले ऐसा मंजर मैंने नहीं देखा चिश्तियां में।
चिश्तियां वालों आपको क्या हो गया, आज क्या हो गया है? वो जो जनूबी पंजाब की बातें करते थे, जनूबी पंजाब वाले जो छोड़ के चले गए, और तुम लाख छोड़ के चले जाओ, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह जिसको भी यहां पे खड़ा करेगी ये आवाम इंशाल्लाह अपनी मोहब्बत का वोट देंगे उसको। क्यों बोलो, मैं जब भी कोई बात करता हूं हमेशा सोच समझ के करता हूं। अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ ने कहा कि मैं लोड शेडिंग खत्म करूंगा। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग को हमने उस जिन पे काबू पा लिया, और तीन सालों में 10,000 मेगावाट बिजली हम सिस्टम में लेकर आए, और आज वो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग कहां चली गई? जिन्होंने इस मुल्क के साथ जुल्म किया है उनसे बदला आपने लेना है। दहशतगर्दी इस मुल्क में थी 2013 में, दहशतगर्दी थी या नहीं थी बोलो? आज कहां है दहशतगर्दी? हमने दहशतगर्दी को ठिकाने लगा दिया, कराची का अमन बहाल किया, सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर आए। आज यहां पर भावलपुर से हासिलपुर तक बेहतरीन सड़क बन गई है, और अब हासिलपुर से चिश्तियां की बारी है, और फिर चिश्तियां इंशाल्लाह एक दिन चिश्तियों से मोटरवे गुजरेगी। मोटरवे चिश्तियां वाले इतना प्यार करें तो यहां से मोटरवे ना आए, आएगी मोटरवे यहां पर इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब ने इतना तरक्कियाती काम के, यहां मेडिकल यूनिवर्सिटियां बन गई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई, बच्चों के कॉलेज, और फिर यहां पे बेहतरीन यहां पे अस्पताल मिसाल नहीं मिलती जो जनूबी पंजाब और इस इलाके की जो शहबाज शरीफ ने खिदमत की है। मैं आपके सामने शहबाज शरीफ साहब को शाबाश देता हूं कि उन्होंने बेपनाह काम किया यहां के लिए। इसलिए आज जब जनूबी पंजाब के कुछ लोग लोटा बने तो लोग उनको अब पूछने के लिए तैयार नहीं है।